और मैं कल ये वाला छाछ लेके आई थी, ठीक है, बट मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभी क्या होगा, आज क्यों ऐसे की मुस्की मार रही है तुम? हाँ, बाकी अभी मैं बनाने वाली हूँ परवल की सब्जी, मतलब भुजिया, दाल बन रहा है उसमें। तो गाइस अभी मिस्टी के लिए आया है साड़ी। तो गाइस आज देखो मिस्टी क्या है भाई, मैंने पहले ऐसा लग रहा चाइनीज खाना खाने जा रही है। चलो ना। हे गाइस कैसे हैं आप सब, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे मिस्टू एंड मिस्टी। तो गाइस क्या कहते हैं, अभी अभी जस्ट मॉर्निंग हुई है हमारी, गला थोड़ा सा बैठा बैठा सा है, ले बारिश की आवाज़ निकल रही है। अभी क्या होगा, आज क्यों ऐसे की मुस्की मार रही है तुम? हाँ, देख रहा हूँ ऐसे, देखा नहीं है क्या? नहीं देखा, क्या देख रहा? शर्म आ जाएगा, ऐसे मत देखो भाई। अच्छा ना, मैं आगे तो मैं देखूंगा नहीं। तो गाइस सब लोग उठ चुके हैं यहाँ पे, अंजलि है, सालू है और कार्तिक अभी अभी जस्ट उठाया, देखो अभी अभी। और उठते उठते सुबह सुबह बिल्ली देख लिया उसने, बिल्ली के पीछे भाग रहा था अभी। तो मिस्टी बोल रही हूँ मेरे से कि ना उसको देखो, बिल्ली के पीछे जा रहा है, पंजा मार देगी, कर देगी कर देगी। बिल्ली पकड़ पाएगा उसको, सॉरी ये बिल्ली को पकड़ पाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, बिल्ली काटेगी ना उसको, ये उसके बच्चे को छेड़ेगा तब काटेगी ना, ए निकली बच्चा के छुई तो काटेगी आके। अरे वो बच्चे ही डरा देंगे इसको, वो बच्चे इसको डरा देंगे, खैक करके। काटेगी भी नहीं तो फिर भी नो चोच लिया तो उसके पैर में, खैक करके डरा देगी इसको ही। जो भी हो डर लगता है मेरे को नो चोच लिया तो। 2 hours later। तो गाइस अभी मिस्टी के लिए आया है साड़ी, साड़ी है ना? यस, जो कितना क्यूट सा रहा है ब्लाउज, मस्त लग रहा है ये वाला ब्लाउज यार, मस्त लग रहा है ना? वो साड़ी है उसके ऊपर, मतलब ब्लू और व्हाइट, हां ये रहा ना, ब्लू बॉर्डर व्हाइट बॉर्डर पतला है साड़ी, हां मैच होगा। यस, अरे बहुत प्यारा लगेगा, एकदम बंगाली लुक लगेगा देखने में। चलो अब मिस्टी का ये वाला लुक में आपको नया रील दिखने को मिल जाएगा, जल्द मिलने वाला है। वैसे अभी एक बाकी है उसमें जरूर देखना, आजकल मैं न्यू न्यू साड़ी बहुत वीडियो देखती हूं। पहले आप लोग बोलते थे ना कि मिस्टी आपका एक ही साड़ी का, एक दो साड़ी का उसमें बनाते हो, फिर कभी देर होता है तो साड़ी है ना, पूरा अलमारी भरा था साड़ी से, पता है नीसू ले जाएगी जब अपने ससुराल जाएगी तो। तो गाइस आज देखो मिस्टी क्या है भाई, मैंने पहले ऐसा लग रहा चाइनीज खाना खाने जा रही है। चलो ना। सच्ची में क्या है, किसी का क्या नाम क्या है इसका, इसको खाने का? पांता भात कहते हैं, पांता भात। यस, ये गर्मियों में पता है इतना अच्छा होता है ना, इससे इसको पीने से ना लू नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती बॉडी में, पीने से या खाने से? खाने से, ये गर्मियों के लिए बहुत 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 ही अच्छा फूड है। और साथ में गाइस है परवल का भुजिया और दाल, दाल और रोटी, परवल का भुजिया, ये मेरा गाना है, हमारा गाना बोल रहा हूँ, मेरा खाना ये। तो मैं दाल इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि मुझे ये खाने का मन कर रहा था, मेरे को अभी फिर बाहर जाना है ना दोपहर में। मैं पूछा इसको खाओगी पियोगी, कह रही है पता नहीं, पहले खाऊंगी फिर पी लूंगी बाद में, पानी बचेगा। भाई देखो ना, गाय का खाना लग रहा है तो यार, ऐसा मत बोलो, मजाक नहीं करता सच्ची में, ऐसा मत बोलो। गाय को ऐसे खिलाते हैं गीला गीला खाना, सही में खा लोगे ना इतनी अच्छी नींद आती है, नींद नहीं लगना चाहिए ना मुझे। मैंने कल ही देखा, कहां देखा बड़े ते, कहां देखा बड़े, बंगाली औरत ना ऐसे ही खा रही थी, मटके में खा रही थी, वो मटका में खाती थी, मिट्टी के बर्तन में, वो गांव में खाया जाता है, और अचार भी डाला था आम का। गाइस आपने बताया कभी, आपने कभी खाया है कि नहीं? ठीक है, नॉन बंगाली लोग से पूछ रहा हूँ, बंगाली लोग तो खाते होंगे, हाँ। जो बिहारी लोग हैं हमारे, उड़ीसा के लोग भी खाते हैं, अरे मतलब जो भी है नॉन बंगाली वगैरह वगैरह। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कनिका भूषण ब्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, और आप लोगों ने रेसिपी वाले, रेसिपी नहीं मतलब एक फूड ब्लॉग में आपने बहुत अच्छा प्यार दिया था, जिसमें मैंने चिकन बिरयानी बनाया था एंड पकौड़ा वगैरह बनवाया था। और यहाँ अभी तो संडे का टाइम है, तो आज मेरा कोचिंग छुट्टी है, तो आज मैं घर में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे घर में संडे के दिन क्या क्या होता है, ठीक है। वैसे तो सब नॉर्मल का टाइम है कि डेली जो हम लोग काम करते हैं वही करते हैं, बाकी संडे के दिन हमारे घर में क्या अलग होता है, क्या अलग होता है, हम लोग घर में सब लोग घर पर रहते हैं संडे के दिन, वैसे टाइम में सब लोग अपने अपने काम करते हैं। और यहाँ पर कार्तिक अभी खेल रहे, देखो क्या हुआ, हाँ तो अभी कार्तिक को मैंने चूड़ी पहनाया था, वो ब्लैक वाले जो होते हैं ना बच्चों के, तो उसने निकाल के रख दिया, और मैं कल ये वाला छाछ लेके आई थी, ठीक है, बट मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने आधा ही पिया था, आधा मैंने रख दिया था। यहाँ पर कार्तिक ने
गाड़ी को अपने चोरी पिना रहा है चक्कों में। तो मैं अपना काम वम कर लेती थी और मिस्टर गए मंदिर साफ करने, तो मैंने सोचा तब तक काम वम कर लेती हूँ मैं अपना। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी, तो मैं खाना वाना बना रही थी और मेरा फेस देख के लग सकता है बहुत गर्मी है यहाँ पे, और एग्जॉस्ट फैन चला है ना तो थोड़ा आवाज़ आपको ज़्यादा आ रहा होगा। बाकी अभी मैं बनाने वाली हूँ परवल की सब्जी, मतलब भुजिया, दाल बन रहा है उसमें और चावल मैंने बना लिया है। तो अभी परवल का भुजिया बनाऊँगी, देन इसके बाद मैं अपना थोड़ा स्किन केयर बताऊँगी क्योंकि जो जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ। अभी आप देख सकते थे मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा स्किन पर बहुत दाने वाने निकल गए थे, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से कम किया है, और क्या क्या यूज़ करके मैंने कम किया है वो भी मैं आपको वीडियो के आगे बताऊँगी। सो भी गाइस यहाँ पे मैं खाना बनाने जा रही हूँ, यहाँ पे बाबा बैठे हैं। हमारा रूम थोड़ा ठंडा रहता है ना, इसलिए वो थोड़ा इस रूम में उनको आराम मिलता है। मम्मी यहाँ बैठी हुई है अभी। सो भी यहाँ पे गाइस गाना सुन रहे हैं, बिना हाथ पैर का गाना ये। तो अभी हम लोगों ने गाइस उस दिन चिकन बनाया था ना, तो उस दिन आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोग नॉनवेज नॉनवेज क्यों खाते रहते हैं, बताओ नॉनवेज हम लोग कितना खाते हैं। सब नॉनवेज हम लोग खाते ही थे, पहली बात बताऊँ तो नॉनवेज हम लोग बहुत कम खाते हैं। कुछ ओकेजन वगैरह होता है या कुछ मेहमानों को बुलाए, मेहमान खाते हमारे, तो ऐसे तो नहीं कर सकते हम लोग कि भाई खुद भी नहीं खाते तो उनके लिए भी अच्छा नया बनाए, तो वो खाते तो हम लोग ने सबके लिए बनाया था, और एक दिन खाने से कोई कुछ नहीं हो जाता, और जो खाता है वो तो खाते ही रहेगा। गर्मी इतनी थी, कोई खाएगा भी कैसे बताओ, हमने उस दिन बनाया बताओ इतना सारा कितना सारा वेस्ट हुआ ये बताओ। हर किसी की अपनी मर्जी होती है ना, आप लोग नहीं खाते तो आपकी मर्जी। हाँ बताओ उस दिन कितना सारा बिरयानी वेस्ट हुआ, सालों बताओ। वेस्ट नहीं हुआ था, हम लोग ने ना वो डॉग को खिला दिया था, वेस्ट नहीं हुआ था। मतलब हमने वो फेंका नहीं, ऐसे डस्टबिन वगैरह में नहीं फेंका, हमने जाकर ना बाहर कुत्तों को खिला दिया था, मैंने बांध बांध के रखा था। हाँ, और वो खिला दिया मिला चलो उनका भी पार्टी। मैं झूठ बोल रही हूँ भाई, थोड़ा बिलीव कर लिया था। चलो ऊपर चलो उनका भी पार्टी हो गया, भाभी मैं बोल रही हूँ। हाँ उनका भी हो गया भाई, मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे माथे पे लिख लिया मैं झूठ बोल रही हूँ। यू आर लायर। तो अभी हम लोग जा रहे खाना बनाने। गाइस सच में ये गाना बिना हाथ पैर का समझ नहीं आता, इससे सच्ची में खाली पहले गाइस पर इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे थे, मूवी भी आ रही थी, देखो बस पंजाबी सॉन्ग चलते रहते, पंजाबी सॉन्ग चलना, और मुझे समझ नहीं आते मैं पंजाबी सॉन्ग मेरे को बस अच्छे लगते हैं, या तो गुरु रंधावा के या तो हनी सिंह के, बस इससे ज्यादा मेरे को उतना समझ नहीं आता। हनी सिंह का अच्छा लगता है, हनी सिंह का अच्छा लगता है मुझे, पुराने गाने अच्छे लगते हैं। अब वो शायद गाता है पंजाबी, पहले बीच में तो उसने बंद ही कर दिया था, कहाँ गा रहा था पंजाबी सॉन्ग, कौन हनी सिंह पंजाबी गाने तो गा रहा था वो, जो उसका ये सब जो गाने थे ब्लू आईज ये सब थोड़ा हिंदी लगता है ना, वो अभी जो उसका गाने था ना, अभी एक और आ गया था कौन सा था, वो अच्छा लगता है मुझे, वो एक और मखना वाला गाना आया था वो तो हिंदी लगता है, नहीं वो भी थोड़ा बहुत पंजाबी है, बिल्लो वाला गाना आया था उसका एक, हाँ बिल्लो तू, हाँ वो भी पंजाबी गाना है, वो प्योर पंजाबी गाना है। फिर अभी बहुत सारे गाने आए थे उर्वशी रौटेला के साथ, वो सारे पंजाबी गाना है। और बाकी गाइस अभी निशु की डिलीवरी का तो हम लोग को पता नहीं कब होगा, सब लोग वेट कर रहे हैं, सच्ची में सब लोग थक गए हैं वेट करते करते, कब होगा पता नहीं, ऐसे ही भाभी के टाइम हो रहा था हम लोग वेट कर रहे थे कब होगा कब होगा। मेरा भी मतलब ऑलमोस्ट लास्ट के टाइम ही हुआ, क्योंकि 27 को डेट दिया था, 22 को हुआ था कार्तिक का डेट, शायद इसका आज 28 है, आज 28 है, आज का डेट था इसका, 9th मंथ कंप्लीट हो गया, अब 10th मंथ कल से स्टार्ट होगा, अब तो गाइस पक्का ही लग रहा कि लड़का ही होगा। अब कमेंट में मत बोलना कि भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे गाइस, मतलब ऐसे बोलते हैं कि ज्यादातर 10वें महीने में ना, जैसे कार्तिक हुआ था तो कार्तिक मान लो ऑलमोस्ट 10th के आसपास ही हुआ था, 27 को मेरा 9th मंथ कंप्लीट होने वाला था, आगे घुस के देख लो, कुछ लोग होते हैं जिनको बुलाते नहीं है वो फिर भी अंदर घुस जाते हैं, ऐसे हैं कुछ लोग। अंजलि को बुरा नहीं लगता, कितने बारे में आप बुराई कर दीजिए इसको बुरा नहीं लगता, कमेंट में कुछ भी बोल दिए इसके बारे में इसको बुरा नहीं लगता, ये बुरा नहीं मानते कभी, इसको अभी बुरा नहीं लग रहा, हम लोग कुछ भी बोल देते, अभी देखो अभी बारिश नहीं हो रही ना, हम लोग सोच रहे थे कि इसको टांग दे थोड़ा गेट पे, अंजलि को बारिश के लिए बहुत गर्मी लग रही है सच्ची में, टांग देते वाइट तो पहनी हुई सर पे डाल देते हैं, रबर टांग देते हैं, आप ही वाइट पहनना है, नहीं मेरा ब्लैक है, ब्लैक एंड वाइट है, तुम्हारा वाइट ज्यादा लग रहा है ना इसलिए, एक मोटा सा रबर लेके आओ यहाँ लगा देंगे और दो आंख बना देते हैं। तो गाइस अभी निशु का जब भी डिलीवरी होगा तब आपको पता चलेगा, बाकी अभी तो हमें कोई आइडिया नहीं है कब होगा, ये हमारे हाथ में तो है नहीं, भगवान जी देता है, हाँ जब चाहेंगे तब देंगे। बताओ 10th मंथ स्टार्ट होने वाला है, मतलब मान लो स्टार्ट ही हो गया है, बस जब दे दे भगवान तब, है ना।
भगवान की देन है भगवान की देन है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और काफ़ी लोग पूछे थे आप लोग वो हेयर ऑयल लगा रहे हो उससे कोई फ़ायदा हो रहा है, मुझे तो हो रहा है गाइस। तुम्हें हो रहा है? अभी भी छोटे हैं, छोटे हैं बट मतलब कैसे सॉफ्ट लग रहे अपने बाल पहले से ज़्यादा। मेरे को भी, और मेरे बाल थोड़े से हैवी हुए हैं पहले से और थोड़े से ग्रोथ जल्दी। मैंने बांध रखा है बहुत टाइट, मम्मी ने चोटी बांधा है मेरा, पता है गर्मी है ना तो गाइस छोटी छोटी बांध कर रखो ना तो घमोरे निकल जाएंगे शरीर पे, दाने दाने हो जाएंगे सच्ची में। फिर बाहर जाएंगे ना खुद को शर्म आएगी पेट दिखाने में शरीर दिखाने में।